इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्भुजों के बारे में। तो चतुर्भुज के नाम में ही है चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाएं। तो चतुर्भुज एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। तो मैं यहां बनाता हूं, यहां पे एक, ये दो, ये तीन, और ये हो गई चार। तो यहां पे चार भुजाएं हैं, इसके चार शीर्ष हैं, एक दो तीन चार, और चार कोण हैं, तो एक दो तीन चार। तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज। एक मैं अलग प्रकार से भी चतुर्भुज बना लेता हूं। तो यहां पे एक भुजा, ये हो जाएगी दो भुजा, यहां पे ये तीन भुजा, और यहां पे ये हो गई चौथी भुजा। तो देख रहे हो इसकी चार भुजाएं हैं और चार शीर्ष हैं, एक दो तीन चार, चार शीर्ष और चार कोण भी हैं। तो यहां पे एक, ये दो, ये तीन, और ये बड़ा वाला यहां पे चौथा कोण। या फिर मैं इसे ऐसे ही बना सकता था, यहां पे ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। तो यहां पे चार भुजाएं हैं और एक दो तीन चार, चार शीर्ष हैं, और यहां पे एक दो तीन चार, चार कोण भी हैं। तो ये होते हैं चतुर्भुज, जिनकी चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण हो। अब चलो हम चतुर्भुज का वर्गीकरण करते हैं। तो अब चतुर्भुज को हम दो अलग अलग श्रेणियों में रख सकते हैं, वो हैं अवतल चतुर्भुज और उत्तल चतुर्भुज। अब अवतल चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनमें कोई भी एक अंत कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो यहां पे मैं एक चतुर्भुज बनाता हूं, ये है एक भुजा, ये है दो भुजा, ये हो जाएगी तीसरी भुजा, और ये हो जाएगी चौथी भुजा। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि इसकी चार भुजाएं हैं और चार शीर्ष हैं, एक दो तीन चार, और चार कोण हैं, एक दो तीन और चार। पर ये जो चौथा कोण है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये एक होता है अवतल चतुर्भुज। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर ये वाला कोण भी 180 डिग्री, अंत कोण भी 180 डिग्री से ज्यादा है। तो ये है हमारा अवतल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज क्या होते हैं? वे ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिनमें हर एक अंत कोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। तो जैसे कि मैं यहां बनाता हूं, ये है एक भुजा, ये है दो भुजा, ये हो जाएगी तीन भुजा, और ये हो गई यहाँ पे चार भुजा। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे चार भुजाएं हैं और चार शीर्ष हैं, एक दो तीन चार, और चार कोण हैं, जहां पे चारों कोणों का जो मान है वो 180 डिग्री से कम है। तो ऐसे चतुर्भुज कहलाते हैं उत्तल चतुर्भुज। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला जो चतुर्भुज है वो उत्तल चतुर्भुज है। अब अगर हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे चतुर्भुजों का क्या होगा जहां पे अंत कोण 180 डिग्री ही हो, तो सोचो अगर दो भुजाओं के बीच में जो अंत कोण हो वो 180 डिग्री हो, तो ये दो भुजाएं थोड़ी, ये तो एक ही भुजा बनेगी। तो ऐसा कोई चतुर्भुज नहीं होगा जहां पे अंत कोण 180 डिग्री हो। तो ये मैं यहां से हटा देता हूं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं, और आगे हम बात करेंगे सिर्फ उत्तल चतुर्भुजों की। तो सबसे पहला चतुर्भुज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जहां पे सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो। तो मैं यहां बनाता हूं कि यहां पे ये एक भुजा हो गई, ये हो जाएगी दूसरी भुजा, यहां पर ये आ जाएगी तीसरी भुजा, और ये हो जाएगी चौथी भुजा। तो यहां पर ये जो दो सम्मुख भुजाएं हैं, ये दोनों यहां समांतर हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। कुछ लेखक समलंब चतुर्भुज की परिभाषा कुछ ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के कम से कम एक जोड़े समांतर हो। तो यहां पे ठीक ठीक एक ही जोड़ा समांतर है, और कुछ लेखक कहते हैं कि कम से कम एक जोड़ा समांतर हो, यानी कि दो जोड़े भी समांतर हो सकते हैं। तो यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि ये एक जोड़ा सम्मुख भुजाओं का समांतर है और दूसरा जोड़ा भी सम्मुख भुजाओं का समांतर है। तो ये एक समांतर जोड़ा और ये दूसरा सम्मुख भुजाओं का समांतर जोड़ा। तो कुछ लेखक इसे भी समलंब चतुर्भुज कहते हैं। पर हमारी चर्चा में हम ये आगे मान के चलेंगे कि समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जहां पे सिर्फ एक ही जोड़ा सम्मुख भुजाओं का समांतर है। तो ये है हमारा समलंब चतुर्भुज, और इसे हम समलंब चतुर्भुज नहीं कहेंगे।
लेकिन ये भी तो एक चतुर्भुज है और यहां पर समभुजाओं के दो जोड़े समांतर हैं, तो इस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो ऐसे चतुर्भुजों को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज हमने अभी अभी देख लिया, वो ऐसे चतुर्भुज होते हैं जहां समभुजाओं के दो जोड़े समांतर हों। तो यहां पे मैं बना लेता हूं कि यहां ये एक जोड़ा समांतर हो गया और यहां पे ये दूसरा जोड़ा भी समांतर है। तो यहां पे ये एक जोड़ा समांतर है और यहां पे ये दूसरा जोड़ा भी समभुजाओं का समांतर है। तो ऐसे चतुर्भुजों को हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। और यहां पर जो समुख भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई भी बराबर होती है। तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है और इन दोनों भुजाओं की लंबाई भी बराबर है। तो ये होते हैं समांतर चतुर्भुज। अब इस समांतर चतुर्भुज के और भी प्रकार होते हैं। अब अगर इस समांतर चतुर्भुज के जो अंत कोण हैं उन सारे कोणों का मान अगर 90 डिग्री हो तो ऐसे चतुर्भुजों को हम कहते हैं आयत। तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जहां पे जो अंत कोण होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, यानी कि वो सारी की सारी भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आयत। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है जहां समुख भुजाएं समांतर हैं और साथ ही साथ सारे अंत कोणों का जो मान है वो 90 डिग्री है। तो आयत भी समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार है। अब अगर मैं समांतर चतुर्भुजों की बात करूं और यहां पर ये जो हमने देखा कि दो समुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये सारी की सारी भुजाएं बराबर हों तो ऐसे चतुर्भुज कहलाते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज ऐसे समांतर चतुर्भुज हैं जहां पे सारी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो यहां पर मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूं ऐसा जिसकी सारी भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो यहां पे ये समचतुर्भुज है, समुख भुजाएं यहां पर समांतर है पर साथ ही साथ सारी भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो ऐसे समांतर चतुर्भुज को हम कहते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार है। अब ऐसे चतुर्भुज भी होते हैं जो आयत भी होते हैं और समचतुर्भुज भी होते हैं, यानी कि सारे अंत कोणों का मान 90 डिग्री भी होता है और सारी भुजाओं की लंबाई भी बराबर होती है। और ऐसे चतुर्भुजों को हम कहते हैं वर्ग। संभवतः वर्ग तो सबसे प्रसिद्ध चतुर्भुज है। तो यहां पे मैं बनाता हूं एक वर्ग, इसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और इसके चारों अंत कोणों का मान 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारा वर्ग, जो एक आयत भी है और एक समचतुर्भुज भी है। और सीधी सी बात है कि वर्ग तो समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। तो मैं कह सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज का एक बड़ा समुच्चय होता है जिसके अंतर्गत दो समुच्चय आते हैं, आयत और समचतुर्भुज। और आयत और समचतुर्भुज के समुच्चय मिलकर बनाते हैं एक छोटा समुच्चय जो होता है वर्ग। यानी कि सारे वर्ग आयत होते हैं और सारे वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं, और सारे आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं और सारे समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। लेकिन सारे समांतर चतुर्भुज आयत या समचतुर्भुज या वर्ग नहीं होते हैं। तो ये था वीडियो चतुर्भुजों के बारे में।